हेलो जी, मैं हूं तस्वीर और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई टीम पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान थर्ड ओडीआई। इससे रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे कि वर्ल्ड नंबर वन बाबर की वर्ल्ड नंबर वन टीम, यस कैप्टन भी नंबर वन एंड टीम भी नंबर वन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स लें जी पेशे खिदमत है नंबर वन ओडीआई बैट्समैन की नंबर वन ओडीआई टीम। और ये कारनामा तब सरंजाम हुआ जब टीम में तशरीफ लाए राणा फहीम। अरे राणा कहते हो, राणा को परवाह नहीं, एक बार टीम में लाके देखो, राणा बेवफा नहीं है बे। उनके वही दो खिलाड़ी जिन्होंने सेकंड ओडीआई में हमें तिगनी का नाच नचाया, गुरबाज और इब्राहिम, दोनों को ऐसे चुटकी में आउट कर दिया। राणा फहीम की सक्सेस यू नो बट रीजन यू डोंट नो है जलवा भाई का, हमारा भी बैन स्टोक्स है यार। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया और फिर से दुनिया की नंबर वन ओडीआई टीम बनी। ये सिर्फ और सिर्फ कारनामा हुआ है बाबर आजम की कप्तानी में। इसीलिए एक सवाल करने वाले ने किसी से पूछा था कि ये बताओ दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? उसने कहा था चार, सबसे पहले मुगले आजम, सिकंदर आजम, कायदे आजम और बाबर आजम। ये तीसरा वनडे मैच दरमियान में थोड़ा बोर भी हो गया था, लेकिन यार तुम्हारा भाई इतना गौर से देख रहा था, इतना कोई वेला है, वो जो कैमरे के ऊपर से छोटा सा कीड़ा इधर उधर खिसक रहा था मुझे वो भी पता है, सारा सीन मैं देख रहा था, ये कीड़ा भी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। फिर मैं सोच रहा था ये कैमरा ऊपर है, अल्लाह ना करे इसके पीछे कैमरा मैन बैठा, वरना यही कीड़ा कहीं नीचे खिसकते खुसकते उस कैमरा मैन की। खैर आखिरी वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया। फखर जमान सही नहीं चले, 27 रन बनाए 33 बॉलों पर। हमारा मेन ओपनर है यार, अल्लाह कर इसकी फॉर्म वापस आए। उसके बाद इमाम भी 13 रन पे चले गए। फिर बाबर आजम और रिजवान के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप चली, थोड़ी स्लो थी लेकिन भाई बॉल ऐसे ही घूम रहा था, अजीब सा पिच बिहेव कर रही थी। 29 ओवर में तो जाके हमारे सिर्फ 100 रन हुए थे। और यार वो आसिफ अली का दोस्त भी आया हुआ था, हमारा फरीद। ये सेकंड वनडे मैच में कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी लग रही थी, लेकिन आखिरी वनडे में ये सारे उनके बॉलर्स और हमारे बैट्समैन आपस में बड़ी हासियां खेड़ियां कर रहे थे। तो भाई वो एग्रेशन सिर्फ मैच तक होता है, इसलिए हमें भी एंजॉय करना चाहिए, चिल करो यार। लेकिन बाबर भाई मैच चिल नहीं कर पाया यार, क्योंकि आप अकेले अकेले चॉकलेट खा रहे थे यार, थोड़ी सी दे देते गरीब को भला हो जाता, कोई तरीका है भीख मांगने का। बाबर ने 86 बॉलों पर 60 बनाए, सऊद शकील ने आते ही दो चौके लगाए, फिर 9 रन पे बाय बाय बेचारा रन आउट हो गया। फिर रिजवान ने 79 बॉलों पर 67 बनाए, वो आउट हो गया। फिर शादाब भी चला गया, मैंने कहा अब हमारे तो लग गए लाहौरे, लग गए लाहौरे। लेकिन भला हो नवाज का, उसने हमें इज्जत से नवाजा, 25 बॉलों पर 30 बनाए। और सलमान आगा ने भी टीम को संभाला, 31 बॉलों पर 38 उसने बनाए। यूं हमने टारगेट दिया 269 का। जब अफगानिस्तान के बैट्समैन चेस करने आए तो एक तरफ से लग रहा था यार नसीम नहीं है, हारिस नहीं है, सिर्फ शाहीन है मेन बॉलर, तो क्या बनेगा। लेकिन राणा साहब ने कहा मैं कौन सा छोले की रेडी लगाने आया हूं, बॉलर हूं मैं। क्या जबरदस्त बॉलिंग की यार राणा साहब ने, शुरू में मजा ही आ गया, दो विकेट उड़ा दी मेन। उसके बाद उनका कोई खास चला नहीं, रियाज हसन ने 34 बनाए, शहीदुल्ला ने 37 बनाए, ऐसे ही बस आ रहे थे जा रहे थे, हम भी बोर होने लग गए थे। लेकिन उन्होंने भी एक नसीम शाह रखा हुआ है, वो है मुजीबुर रहमान। उसने जब आके एक आधा छक्का लगाना तो हमने कहा अरे ऐसे ही टॉपिक लग गया होगा, छक्का लग गया यार, थोड़ा खुश होगा कि चलो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट हो गई। लेकिन भाई उसने तो धीरे धीरे हमारे शॉट ही कर दिए, वो तो प्रॉपर बैट्समैन निकला यार, कभी इधर मार रहा है कभी उधर मार रहा है। तुमने कहा भाई तू सीरियस ही हो रहा है यार, तुम लोग थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा क्यों कर जाते हो यार, हम मजाक करने वाले लोग हैं, आप लोग हर मैच में कोई ना कोई गुस्सा हो जाते हो यार। उसने भाई अफगानिस्तान की तरफ से तेज तरीन 50 बना डाली यार, जब तक वो क्रीज पे रहा तब तक मैं दुआओं और तावीज पे रहा, या अल्लाह इसको हटा ले। लेकिन जब दूसरे वनडे में शादाब सही फॉर्म में आ गया था ना, उन्होंने इसको मैन कट कर दिया था कि वो रन आउट बाहर निकला। तो इसी तरह जब मुजीब खुद फॉर्म में आ गया, उसने अपने आप को ही मैन कट कर दिया, वो खुद ही लात मार दी विकेटों में ऐसे भी मैं आउट हो सकता हूँ, करके दिखाऊं। तो जबरदस्त खेला यार, 37 बॉलों पर 64 रन बनाए। और जब वो आउट हुआ तब हमारे कुछ सांस आए और अफगानिस्तान की टीम 208 रन पे बुक हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सीरीज व्हाइट वॉश कर ली और नंबर वन बन गए। लेकिन भाई ये तो नॉर्मल सी सीरीज थी, लेकिन असल मजे आने वाले अब एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के टाकरे, बाबू राव ठाकरे। धड़ाधड़ वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल छक्का मार पे, उसका लिंक मेरी टिकटॉक और इंस्टा की बायो में, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दे, घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जैसे वीडियोस आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। बड़े यार मजेदार वीडियो बना रहा है, मतलब ऐसे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इसको कम सब्सक्राइबर्स मिले हैं, काम अच्छा कर रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो, सब्सक्राइब करो और कंटेंट को अप्रिशिएट भी करो, क्योंकि मुझे तो मजा आया भाई इसके अंदर। बाकी आप जाकर उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, आपको भी आया तो, क्योंकि कॉमेंट्री बड़े फन के साथ की है इसने, एंटरटेनमेंट डाला है भाई, मेहनत कर रहा है। बाकी बात करते हैं इस टीम की, पाकिस्तान की नंबर वन बन गई है, कॉन्ग्रेट्स, वाओ, नंबर वन कप्तान, नंबर वन ओडीआई टीम। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही फन था, बहुत ही मज़ेदार था, जो फनी अंदाज से इन्होंने जो कमेंट्री कर दिखाई है उसको मजा आ गया। जी हाँ, नसीम शाह रखा हुआ है इन्होंने दूसरा, और ये मैच बड़ा टफ टाइप का था एक तरीके से, जो लास्ट ओडीआई थी, लेकिन जीत गए भाई। उसमें गंदी हरकतें हो गई, उल्टी सीधी हरकतें हो गई, मतलब ये जीतना है, जीत कर दिखाना है, इज्जत बचानी है, हल्की फुल्की सही बचे लेकिन इज्जत बचानी है, वो वाला सीन बन गया था। लेकिन नसीम के बारे में सोचा किसने था,
वो बिना सोचे आ जाता है, बिना सोचे ख्वाबों में भी आके डरा देता है अचानक से आकर। सो वो वाला सीन हो गया, हिस्ट्री रिपीट हो गई, मज़ेदार मैच रहा है, ज़बरदस्त रहा है, नंबर वन पाकिस्तान की टीम बन गई है। और जो भी हिटर्स विटर्स हैं वो यही कहेंगे कि यार रैंकिंग मायने नहीं रखती, लेकिन रखती है बॉस, तभी तो दुनिया को पता चलता है कि अभी करेंटली नंबर वन पर कौन चल रहा है। एंड करते हैं वीडियो को।